स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्टेड द 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी। हमने आगे के प्रीवियस वीडियो में देखे थे एग्जांपल नंबर 1 to 5। नाउ द नंबर एग्जांपल नंबर 6। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. So what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी है एल, और तब एरिया क्रॉस सेक्शंस कितना दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए, तब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 4 ओम। तो फॉर फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर के लिए था, तो रेसिस्टेंस के हम आगे पढ़ के आए कि आर वन इज इक्वल टू क्या होता है, रो इन टू एल अपॉन ए। कितना दिया हुआ है 4 ओम। यहाँ पर हमें आर वन फर्स्ट वायर के लिए क्या है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ, यानी कि फर्स्ट की उसकी लेंथ कितनी है एल, तो रेसिस्टिविटी हम पढ़ के गए थे, उसका फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, यानी कि हमें कितना दिया फर्स्ट वायर का 4 ओम। अभी सेकेंड वायर, नाउ फोर सेकेंड वायर, तो सेकेंड वायर के लिए क्या बोला है कि R2 अभी लेंथ कितनी है हाफ करनी है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2 है, तो यहाँ पर रो इन टू एल 2 to 4, तो यहाँ रो इन टू एल अपॉन ए क्या होता है, तो 1/4 इन टू रो इन टू एल अपॉन ए, तो रो इन टू एल अपॉन ए क्या है R1 होगा, और R1 कितना दिया हुआ है 4 ओम, ये कट हो जाएंगे तो कितना बचा 1 ओम। तो हमारे दूसरे वायर की जो रेसिस्टेंस है वो कितना आया 1 ओम। फर्स्ट वायर के लिए हमें क्या बोला था कि 4 ओम, सेकंड वायर के लिए कि उसकी लेंथ हाफ करनी और क्रॉस के लिए कितना करना है 2 गुना करना है, तो ये 2 क्या होते हैं 4 होते, रो इंटू एल अपोन ए, तो रो इंटू एल अपोन ए यानी कि फर्स्ट वायर की ये क्या हो गया रेसिस्टेंस हो गया, वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 कट हो जाएंगे, कितना बचेगा 1 ओम, यानी कि सेकंड वायर की रेसिस्टेंस कितनी मिली हमें 1 ओम। नाउ द एग्जांपल नंबर 7, अ इलेक्ट्रिक लैंप वॉज रेसिस्टेंस इज 20 ओम, यानी कि इलेक्ट्रिक एक बल्ब है उसका लैंप पे कितना दिया हुआ रेसिस्टेंस 20 ओम, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस, यानी कि इस कंडक्टर का कितना दिया हुआ है 4 ओम, तो आर कनेक्टेड टू अ 6 वॉट बैटरी, यानी कि इसके यहाँ पर कितना 6 वॉट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल रेसिस्टेंस, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर वन इज इक्वल टू 4 ओम, आर टू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 ओम, ये किसके लिए कंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए, तो ये दोनों किसके किस कनेक्शन में, सीरीज के कनेक्शन में, तो सीरीज का क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना दिया 4, आर टू कितना दिया हुआ है 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24, तो टोटल रेसिस्टेंस हमें कितना मिला 24 ओम मिला, ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड देखते हैं, क्या बोला था, द करंट थ्रू द सर्किट, हमें क्या फाइंड करना है करंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल V कितना दिया हुआ है 6 वॉट, और टोटल रेसिस्टेंस कितना मिला हमें 24 ओम, तो करंट क्या होता है I इज इक्वल टू V अपॉन
आर, वी कितना दिया हुआ है, 6, रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना मिला, 24, तो 6 4 जा, तो ये 6 6 कट, 1/4, 1/4 यानी कितना होगा, 0.25 एम्पियर। तो करंट कितना मिला हमें, 0.25 एम्पियर। अभी सी नाउ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट यानी कि ओम्स लॉ पे सेपरेट करते फर्स्ट किसके लिए, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। तो V1 इलेक्ट्रिक लैंप के लिए कितना दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रिक लैंप, तो इलेक्ट्रिक लैंप का यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है, 20 ओम। ठीक है, तो हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंट फाइंड करना है। तो क्या होता है, V1 इज इक्वल टू, यहाँ पर V को सब्जेक्ट बनाते तो R कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, यानी I × R1। I कितना दिया हुआ है हमें, कितना फाइंड किया हमने, 0.25। R1 कितना मिला, 20। अभी यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे तो 100 और यहाँ पर 20, 25 जा 100 होते, 5 5 एंड 5 5 जा 25, 5 5 कट, कितना बचेगा खाली, ओनली 4 5। तो यहाँ पर कितना मिला पोटेंशियल डिफरेंट फर्स्ट इलेक्ट्रिक लैंप के लिए, 5 वोल्ट। फिर से करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक लैम्प, तो इलेक्ट्रिक लैम्प के R1 कितना दिया था, 20 ओम। ठीक है, हमें V1 क्या करना है, फाइंड करना है, I × क्या होता है, R1। एम्पियर कितना मिला, 0.25। R1 कितना है, 20। पॉइंट निकालो तो नीचे कितना होगा, 100, ये 20, ये 25 जा 100 होते, 20 20 कट, ये 5 5 जा 25, 5 5 कट, कितना बचेगा खाली, 5। और पोटेंशियल डिफरेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अभी फोर कंडक्टर, तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 4 ओम। तो वही होता है V2 इज इक्वल टू IR2, यहाँ पर दे देते हैं, I कितना है, 0.25, और ये कितना होगा, 4। अभी पॉइंट निकालोगे तो नीचे कितना होगा, 100, 25 4 जा कितने होते हैं, 100 होते हैं, नीचे भी 100, 100 100 कट हो जाएंगे, कितना बचेगा, 1। यानी कि कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो कितना मिला, 1 वोल्ट। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 8, इन द सर्किट डायग्राम यानी एक सर्किट दिया हुआ है, सपोज द रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3, उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। R1 की कितनी है, 5 ओम, R2 की कितनी है, 12 ओम, और R3 की कितनी है, 30 ओम। ठीक है, एंड वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टेंस, यानी कि एवरी रेसिस्टेंस में कितना करंट पास होता है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टर के लिए I1 इज इक्वल टू V अपन क्या होता है, R1। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और R1 कितना दिया हुआ है, 5। 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 12 में से 2 गए 10 बचे, पॉइंट लगा तो यहाँ 0, 5 4 जा 20, यानी कितना आया, 2.4। और एम्पियर का एस करंट का क्या होता है, एम्पियर, यानी कि 2.4 एम्पियर। ये फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए। फिर सेकंड के लिए I2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, V/R2, 12/R2 कितना है, 10, पॉइंट लगा तो कितना होगा, 1.2 एम्पियर। थर्ड रेसिस्टेंस के लिए V/R3, V कितना दिया हुआ है, 12, और ये कितने दिए हुए हैं, 30, ये 3 4 जा कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12 एंड 10 3 जा 3 3 कट, कितना बचा, 4/10, यानी कितना होगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो सारे सारे रेसिस्टेंस के हमें क्या फाइंड कर लिए, करंट पास कर लिए। तो फॉर्मूला ओम्स लॉ पे हमें आगे ही पढ़ के गए, I1 इज इक्वल V/R1। हमेशा एक एक किस कनेक्शन में, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है कि करंट सेपरेट होता है,
एवरी रेसिस्टेंस का, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, सेम होता है, तो वोल्ट यानी सब में सेम ही होगा। 12 फर्स्ट रेसिस्टेंस कितना है 5, 12/5 कितना होता है 2.4 एम्पियर। फिर वोल्ट वो तो वही है, सेम ही रहेगा 12। दूसरा रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई 10, 12/10 कितने होते हैं यानी 1.2। फिर यहाँ पर भी वोल्ट सेम ही रहेगा। R3 रेसिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी 30 ओम, ये 3 4 12 होते हैं यानी 23 3 3 हो जाएंगे 4/10 यानी 4/10 कितने होते हैं 0.4 एम्पियर। अभी टोटल करंट, टोटल करंट क्या होता है, आई आई वन आई टू आई थ्री। आई वन कितना मिला 2.4, आई टू कितना मिला 1.2, और ये कितना मिला 0.4। तो 4 और 2 6, 6 और 4 12, क्वेरी में कितना होगा 1 होगा, 2 और 1 3 4 यानी 4.0 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिला, टोटल करंट मिला। अभी हमें यही चाले कि टोटल रेसिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। फर्स्ट रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1/5, ये कितना दिया हुआ 10, और ये कितना दिया हुआ है 1/30। अभी 30 एलसीएम लेते थे, यहाँ पर 5 6 10, तो ऊपर 6 से भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 1 6 10, 10 3 30 होते तो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा किससे, 3 से, तो 1 3 3, और यहाँ पर तो नीचे 30 है तो कुछ करना नहीं है। तो 6 3 और 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10 0 0 कट, तो यानी कितना मिला 1/RP इज इक्वल टू 1/3 यानी 1 1 इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, R किससे इक्वल होगा 3 से, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना मिला हमें 3 ओ, ठीक है। तो नाउ द एग्जाम्पल नंबर 8 इज अ क्लियर।